अब जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपने स्टॉक यार्ड का सबसे महंगा पत्थर, वो ये है ब्लू ऑनिक्स। इस ये सबसे महंगा है, 4000 पर स्क्वायर फीट की रेंज में आता है। टाइल में फ्लो नहीं दिखता, जो मार्बल में दिखता है। टाइल एक सर्टेन टाइम के बाद निकालना पड़ता है। मार्बल को अगर मेंटेन करें तो लंबे टाइम तक चला सकते हैं। आज तक ताजमहल खड़ा है इसलिए कि मार्बल लगा हुआ, बट टाइल लगता तो नहीं लगता। नया घर बना रहे हैं और घर में मार्बल्स लगाने का सोच रहे हैं, तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको इंपोर्टेड मार्बल्स दिखाएंगे जो कि 150 प्लस वैरायटीज से भी ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये 55 प्लस कंट्रीज से इंपोर्टेड हैं, जैसे कि स्पेन, इटली एंड ग्रीस। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ अमित मार्बल्स में, जहाँ हम कंपनी का टूर करेंगे। काफ़ी सारे तरीके के यहाँ पर हम मार्बल्स देखेंगे, उनके प्राइस डिस्कस करेंगे एंड मार्बल्स की इन डेप्थ डिटेल जानेंगे। तो अगर आपको मार्बल्स लगाने हैं अपने घर में एंड आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। स्टॉकयार्ड, जहां हमारे साथ हैं उनकी टीम मेंबर मैम कविता, जो कि हमें यहां का टूर कराएंगी एंड यहां पर जितने भी गाइड्स के मार्बल्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। सो ऑल ओवर टू यू मैम। हाय, वेलकम टू अवर स्टॉकयार्ड एंड हमारा शोरूम है सेक्टर 82 मोहाली, अमित मार्बल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। सो आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारे पास क्या क्या मटीरियल है। आइए मैं आपको मार्बल्स दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास 55 प्लस कंट्रीज से हमारे इंपोर्ट्स होते हैं एंड इसमें हमारे पास 150 से ज़्यादा मटेरियल्स के मार्बल्स हैं। सो अगर हम रेंज वाइज जाना चाहें तो इसमें आप देखिए 260 से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें आता है आपका पहला डायना, उसके बाद बोटोचिनो, रॉयल फैंटेसी, कैपेचिनो एंड उसके बाद अगर हम जाना चाहते हैं उससे प्लस वेराइटीज़ में, जैसे आपका रोजो अटलांटा आता है, परलाटो सिसिलिया, रॉयल एंड क्रीमा से आना, तो इसमें आपके रेंज प्लस हो जाती है जस्ट फॉर 25 रुपीज़, जैसे 375 एंड इसमें हमारे पास आते हैं 16 to 18 mm थिकनेस के साथ। जितने भी मैं आपको मार्बल्स दिखाऊंगी सारे 16 to 18 mm थिकनेस के साथ हैं। सो अगर हम देखना चाहें तो इसमें हमारे पास बेज, ग्रे, वाइट एंड मल्टी कलर्स के शेड्स आते हैं। सो अगर हम ग्रे में जाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 400 रेंज से स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें हमारा आता है न्यूटन ग्रे एंड अगर उससे प्लस रेंज में जाना चाहते हैं तो स्काइरोज, बल्गारी ग्रे एंड ब्यूटॉन ग्रे एंड उससे उसके बाद अगर हम थोड़ा मतलब रेशे में जाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ा पैटर्न मिले या एवरीथिंग कुछ भी, तो उसमें हमारे पास सिल्वर ग्रीवर आ जाता है, ग्रे लूना आ जाता है, ग्रे विलियम आ जाता है एंड उसके बाद आता है हमारा वाइट कलर में, जिसमें हमारे पास लासा वाइट, सतवारियो एंड अगर हम थोड़ा सा अपने घर को थोड़ा क्लासिक लुक देना चाहते हैं या थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमने उसके हाइलाइटर्स के लिए भी कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, जिसमें हमने सीएनजी कटिंग करवा के आपके घर को थोड़ा प्रीमियम लुक देना चाहेंगे, तो उसमें आपका ये आ जाता है डोल्चे वाइट। सो इंडियन स्टोन है ये, उसके ऊपर हमने कटिंग करवा रखी है। मैं आपको उसमें कलर्स दिखा देती हूँ, जैसे हमारे पास रेमंड ग्रे आ जाएगा, आपका ब्लैक वेव आ जाएगा। प्लीज़ आइए। ब्लैक वेव आ जाएगा एंड इसमें मेरे पास कलर स्टोन्स आ जाएंगे जो आपके घर को और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो अगर आप ब्लैक शेड में जाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास सिल्वर रिवर, ब्लैक मार्किनो एंड दिस वन लारा ग्रे, आपका न्यू रस्ट, ये सारे कलर्स आ जाते हैं आपके ब्लैक में। और अगर इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन स्टोन के ऊपर हमने थोड़ी कटिंग करवा रखी है, तो इसमें आ जाता है हमारा ब्राउन वेव शेड्स एंड और भी कई तरह के प्रीमियम मटेरियल्स हैं, जैसे इसमें आ जाता है आपका सिल्वर फॉसिल एंड अगर आप थोड़ा सा मतलब जैसे बीच के साथ आप कुछ अट्रैक्टिव लगाना चाहते हैं तो उसमें आपका अरमानी एलिगेंस, अरमानी ग्रे, डार्क एम्ब्राडोर, स्विस गोल्ड, फ्रेंच ब्राउन, इस टाइप के मटेरियल आ जाएंगे। अगर यहाँ पर जैसे
आपने लगाए हुए मार्बल्स, इनके प्राइस किस रेंज से हैं? ये वाला मार्बल जैसे कितने का है? ये वाला अगर मार्बल आप देखना चाहें तो ये 600 की कॉस्टिंग है। अच्छा, पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट 600 की है। कौन सी कंट्री से है ये? मैम ये एक्चुअली कंट्री से नहीं, ये इंडियन स्टोन है। इसके ऊपर हमने कटिंग करवाई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने थोड़ा घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके लिए करवाया है। और ये मार्बल्स, ये मैम ये मार्बल्स अगर आप देखिए तो ये 375 से स्टार्टिंग है, जिसमें आपका अरमानी एलिगेंस आ जाता है। ये अगर आप 16 mm में जाना चाहें, अगर 18 mm में आप जाना चाहेंगे तो ये 450 ग्रेन से स्टार्टिंग हो जाती है। तो 6 to 4 मतलब ऐसे रेंज होती है यहाँ पर। और मतलब ये जो मार्बल्स हैं इनमें आपस में जैसे क्या डिफरेंस होता है, एक दूसरे प्राइस में जो डिफरेंस है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स में भी कोई डिफरेंस होता है? मैम इसमें ड्यूरेबिलिटी में होता है, जैसे जो हमारे जितने भी कलर मटेरियल अगर हम इसे फ्लोरिंग पे लगाए तो ये इतने ड्यूरेबल नहीं होते। तो उसके लिए हम लोग फिर जो ड्यूरेबिलिटी में हमारे बेस शेड में, ग्रे शेड में आते हैं, वो ज़्यादा हम लोग बताते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे प्राइस बढ़ता जाता है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उतनी ज़्यादा उनकी ड्यूरेबिलिटी है? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा कंट्रीज से भी इम्पोर्ट्स होते हैं, उस वजह से भी हमारा थोड़ा प्राइस रेंज होती है। जैसे अगर आप इटली में जाना चाहें तो करारा आता है हमारा, काफ़ी जगह से इम्पोर्ट्स होते हैं, उसमें हमारे पास अथवारियो आ जाता है, जिसमें आपको ये वाला मटेरियल हमने डिस्प्ले में लगा रखा था, अथवारियो। ये इटालियन है आपका? ओके। अगर आप इसमें कलर मटेरियल में जाना चाहें हाइलाइटर्स के लिए तो आपका ब्लू जीन्स आता है, सिल्वर ग्रे आता है, सिल्वर रिवर में इसमें टेक्स्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो उसे सिल्वर रिवर हम लोग नेम दे देते। तो आप लोग मेजरली कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं? मैम मेजरली हम कर, मैं आपको बताऊं तो इटली से आता है, स्पेन, ग्रीस और मोस्टली करारा। मतलब मोस्टली क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंट्रीज होती है, उनके जो गांव होते हैं, मतलब विलेजेस जो हम लोग बोलते हैं। ओके ओके, तो ये जो अलग अलग कंट्रीज, कितनी कंट्रीज से आता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 55+ कंट्रीज से इम्पोर्ट्स होते हैं मार्बल्स, तो इसमें आपको सब अलग अलग मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन सी कंट्री का सबसे बेस्ट मार्बल है? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो सारी कंट्री, इसमें आपका इटली आ जाता है, ग्रीस आ जाता है, स्पेन आ जाता है। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है जी, हर किसी कंट्री की अपनी अपनी। जैसे सतवारियो है, सतवारियो वॉशरूम में अगर आप लगाते हो तो बहुत लग्जरी लुक आता है। अच्छा, तो मतलब आप लोग क्या ज़्यादातर लोगों को मतलब वो करते हो, रेफर करते हो, बताते हो कि कौन सा लगवाना चाहिए? मैम इट्स डिपेंड अप टू क्लाइंट कि वो किस में जाना चाहते हैं। सो गाइज ये तो था सैम्पल हाउस, जिसमें हमने कई तरीके के मार्बल्स देखे, उनके प्राइस डिस्कस किए, कंट्रीज डिस्कस की कि कहाँ कहाँ से ये आते हैं। अब हम इनको आप सभी को लेकर चलते हैं इनके स्टॉक यार्ड में, जहाँ पर और भी तरीके के मार्बल्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं अब स्टॉक यार्ड में। अब हम अपने फर्स्ट स्टॉक यार्ड में जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट स्टॉक यार्ड हमारा बेस शेड में हमने रख रखा है पूरा। इसमें हमारे पास क्वार्ट्स आ जाएंगे, इसमें जितने भी बेज कलर हैं, बेज वेराइटीज जितनी भी है, इसमें आपको रेशियो में, क्लासिक में एंड जो भी ऑल दैट है वो सब मिलेगा आपको। आइए हम एक बार अपना स्टॉक यार्ड देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे 4 स्टॉक यार्ड हैं, जिसमें हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप से रख रखे हैं। सो बेस शेड्स में आपके देखिए बर्बरी आ जाएगा, उसमें रोजालिया, क्रीमा सियाना, पलाटो रॉयल, ये सब हमारे पास बेस शेड्स में स्टॉक कलर्स हैं। अब आइए चलिए हम सेकेंड स्टॉक यार्ड में चलते हैं। सो गाइस ये हमारा सेकंड स्टॉक यार्ड है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स के शेड्स मिलेंगे, जैसे बेजिश ग्रे शेड, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट लगाना चाहते हैं तो वो शेड्स में मिल जाएंगे। बेज तो है ही है, उसके साथ हमारा ग्रे शेड भी है, जिसमें हल्का सा मिक्स होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक लुक दिखाती हूँ, जैसे बरसाती ग्रे आएगा, ये आपका बेजिश ग्रे शेड है, मतलब हम बेज भी नहीं बोल सकते, ग्रे भी नहीं बोल सकते। इसमें आपका डी मार्टिनो आ जाएगा, बरसाती ग्रे में थोड़ा कलर्स आ जाएंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा और एक यूनिक पैटर्न में दिखाती हूँ, जिसको हम लोग ऑनिक्स में रिकमेंड करते हैं। प्लीज़ आइए, ये आपके रूम को और भी डेकोरेटिव, और भी हाइलाइटिव और यूनिक बना सकता है। सो अब जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपने स्टॉक यार्ड का सबसे महंगा पत्थर, वो ये है ब्लू ऑनिक्स। इस ये सबसे महंगा है, 4000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आता है, एंड ये आपको घर की हाइलाइट करता है, जिस हिसाब से मतलब आप जैसे अपने बेडरूम्स में या बैकयार्ड बैक वॉल्स पे आप हाईलाइट कर सकते हैं विद द लाइट। सो आइए मैं आपको इसमें ऑनिक्स में हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज भी आती हैं, 1000 की रेंज में ही है एंड उससे अबव भी है।
जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल ऑनिक्स आता है, जिसमें वाइट है, बीज है, ब्राउन, प्लीज ब्राउन, ग्रीन, येलो, इसमें आपके पास सारी मल्टी कलर्स वैराइटीज़ आ जाएंगी। एक मल्टी कलर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मल्टी कलर ऑनिक्स भी आ जाता है। एंड दिस वन इज़ नेचुरल ऑनिक्स, ये आपके रूम मतलब मोस्टली डाइनिंग टेबल्स पे जो आर्टिफिशियल ऑनिक्स होते हैं वो डाइनिंग टेबल्स पे लगते हैं, एंड जो नेचुरल ऑनिक्स होते हैं वो आपके हाइलाइटर्स लगते हैं। आइए इसके बाद मैं आपको अपना थर्ड यार्ड दिखाना चाहती हूँ। आइए अब मैं आपको अपने थर्ड गोडाउन में ले जाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रेनाइट्स आ जाएंगे, उसकी वेराइटीज़ आ जाएंगी ग्रे में, वाइट में, ब्राउन में। जैसे आप देख सकते हैं ब्राउन में आइए शेड्स आ जाते हैं हमारे पैराडिसो, टैन ब्राउन का लपाटो शेड आ जाता है, सेरा ग्रे आ जाता है, स्टील ग्रे, ये सब ग्रे शेड्स में आ जाएंगे। और इसमें हमारे पास अभी आप देख सकते हैं वाइट कलर में भी एक मेरे पास मार्बल रखा हुआ है सतवारियो, जिसमें इसकी रेंज आ जाएगी 2500 स्क्वायर पर स्क्वायर फिट। एंड इसमें हमारे पास काफ़ी ग्रीन हेड्स में मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ दिखा सकती हूँ। प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं ग्रीन हेड की, तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास 100 से, जिसमें राजस्थान का एंड साउथ का मटेरियल आ जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। बाकी हमारे पास इसमें अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जैसे बता रही थी सैम्पल, उसमें सैम्पल हाउस में हमारे पास जो कम रेंज में इटालियन मार्बल्स आते हैं उसमें आपका रॉयल फैंटेसी आ जाता है, डायना आ जाता है, ब्रेशिया आ जाता है। एंड बाकी मेरे पास जो कलर मटेरियल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसमें मेरे पास सिल्वर रिवर में आ जाएगा, आपका न्यूटन ग्रे आ जाएगा, ब्रेशिया आ जाएगा, ये आपके सारे डार्क कलर्स आ जाते हैं जो आपके घर को थोड़ा एक्सटीरियर में इम्प्रूव करना कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ हाईलाइट करवा रहे हैं या कुछ भी स्टेयर्स के लिए, आपके वैनिटीज़ के लिए, वॉशरूम्स के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास डार्क कलर्स में काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो मैं आपको थोड़ा प्रीमियम रेंज में दिखाना चाहती हूँ। आइए चलते हैं हम अपने फोर्थ स्टॉक यार्ड की तरफ। प्लीज़ मैं आपको चौथे गोडाउन में जाने से पहले कुछ चीज़ें और दिखाना चाहती हूँ जो हमारे स्टॉक में हमने कुछ इन्वेंटेड किया है, जैसे पर्लाटो सिसिलिया के पीसेज हैं, ये पॉलिश हो रहे हैं। अगर आप अपने स्टॉक को मतलब जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं मटेरियल उसे पॉलिश करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करके देते हैं आपको, इसके चार्जेस होते हैं अलग से। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ गोडाउन की तरफ। प्लीज़ हाय, दिस इज़ द फोर्थ गोडाउन। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वाइट में हमारे पास क्या क्या कलेक्शन है। सो वाइट में जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन वाइट, स्विस वाइट है हमारे पास, ड्योर वाइट है, बिल्कुल ये ग्लॉसी लुक में आएगा। और वाइट की जो हमारे पास कलेक्शन है वो वॉशरूम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सतवारियो है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास ये आप देख सकते हो इसमें ब्राउन लाइनिंग होगी, सतवारियो इसमें आपके रेशे हो जाएंगे जो कि आपके वॉशरूम को बहुत सुपीरियर क्वालिटी दिखाता है, करारा है हमारे पास। तो वाइट में हमारे पास ऑलमोस्ट सारी कलेक्शन मिल जाएगी आपको। सो एस्पन वाइट देख सकते हो आप, इसमें बिल्कुल कम रेशा होगा, ये बिल्कुल ग्लॉसी वाइट होगा जिसमें कि कम रेशे होंगे। और एक आप ये देख सकते हो मोस्ट लग्जरी लुक में हमारे पास वाइट शेड में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत यूज़फुल बनाता है हमारे वॉशरूम को। सो आगे चलते हैं हम अब हमारी थोड़ी प्रीमियम रेंज की तरफ, जिसमें आता है आपका ग्रे कलर। आइए प्लीज, अगर आप अपने घर को बेज कलर से थोड़ा बोर हो चुके हैं ग्रे कलर में जाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास रेंज आ जाती हैं, आपके सिल्वर रिवर आ जाता है, बल्गारी, लारा, ग्रे लिकॉन, ये सारे ग्रे कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। इसको आप अपने वॉशरूम्स में लगाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हैं, फ्लोरिंग में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ी और प्रीमियम रेंज दिखाती हूँ। प्लीज़ प्राइस अगर आप जैसे प्राइस की आप चिंता ना करें तो मैं आपको बताना चाहूँ तो ग्रे कलर ज़्यादा महंगा तो नहीं पर 400 से रेंज की स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें आपका न्यूटन, और अगर थोड़ा सा और प्रीमियम करना चाहे तो 450 की रेंज से स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें हमारा स्काईरोस ग्रे आ जाता है, लारा ग्रे आ जाता है, बल्गारी, मिलान, ये सारे ग्रे कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। आप देखना चाहे तो इनकी खूबसूरती कितनी अच्छी है, ये आपके वेवी पैटर्न में वर्क करता है,
आप खुद अगर थोड़ा घर में अट्रैक्टिव लगवाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर में जैसे अगर आपको स्टेयर्स में डिफरेंट कलर लगवाने हैं, ग्रीन कलर के साथ कुछ मैच करवाना है तो पांडा वाइट आता है, इसमें आपके डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, ब्लैक, वाइट, ग्रीन और आगे डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। ब्रूनो पैलरा ब्राउन शेड में जाना जाते हैं, लेडी ब्लैक आ जाता है ब्लैक कलर में, ग्रे लूना आ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा ग्रे कलर को और डिफाइन करें, ग्रे में प्रॉपर ग्रे में ना जाना चाहे, उसको बेज करना चाहे हल्का, तो अमाल्फी ग्रे आ जाता है। इसमें आपका न्यूटन बल्गारी ज़ेब्रा ग्रे एंड एल्डराडो, ये आपके घर को थोड़ा सा प्रीमियम लुक देंगे। जैसे अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, सोफे की बैक साइड वॉल्स हो गई, टीवी पैनल्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। वॉशरूम्स में आप वॉल्स पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ग्रेगियो पेरा हमारे ऑफिस का सबसे प्रीमियम लॉट है ग्रे शेड्स का। इसकी रेंज आप ज़्यादा ना माने तो लगभग आपका 500 पर स्क्वायर फुट की रेंज में आ जाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा डार्क कलर में ले जाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे पास ब्राउन ब्लैक, प्लीज अगर आप अपने घर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, टेम्पेस्ट ब्रूनो, परमा ब्लैक, ग्रे फॉसिल, ये सारे आपके थोड़े प्रीमियम रेंज में भी हैं और आपके घर को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे आप मैक्सिकन ब्लैक को देखिए, बेवरली ब्लू को देखिए, ये सब आपके डिफरेंट रेंज में आ जाते हैं। ये थोड़े प्रीमियम रेंज आते हैं, आपके 550 से स्टार्टिंग हो जाती है इनकी और ये 1200 तक 950 तक आपके रेंज में आ जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी कुछ स्टोन वर्क में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो इसमें बेवरली ब्लू आता है आपका, ये आपके वॉशरूम्स को इतना अट्रैक्टिव बनाता है। या फिर आप कुछ भी अपना मतलब जैसे वॉशरूम्स में या साइड पूल्स पे कुछ लगवाना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिनिक्स गोल्ड आता है आपका, अगर ग्रेनाइट में जाना चाहते हैं, मेपल्स नॉर्वे का सबसे बेस्ट ग्रेनाइट है 20 mm थिकनेस के साथ और इसकी रेंज है आपकी 950 कॉस्टिंग। ज़्यादा महंगा भी नहीं है पर आपके सूटेबल बजट में भी आ जाएगा। ब्राउन्स रेंज में जाना चाहते हैं तो अमेजिंग अरमानी ब्राउन्स, लेनार्डो, अगर आप ग्रे में थोड़ा सा भी और अच्छा आपको अट्रैक्टिव लगवाना है तो लेनार्डो लगा सकते हैं आप। जैसे इसमें आपके डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, ब्लैक, वाइट, आपका मैरून कलर। अगर आपको जैसे मतलब कुछ रेंज नहीं मिल रही है, मतलब कुछ कलर्स नहीं मिल रहे हैं, आपके बाथरूम को कोई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके हिसाब से आप लेनार्डो भी लगा सकते हैं जो आपके डार्क कलर्स में भी आएगा और लाइट कलर में भी। बाकी हमारे पास अगर आप ग्रे शेड में जाना चाहें तो एक ब्लैक ऑनिक्स भी आता है, ये भी काफ़ी अच्छी रेंज होती है। आइए और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोन वर्क में तो इसमें कासब आ जाता है जो आपके थोड़ा सा प्रीमियम आपको वर्क करता है। आप इसको भी सेम्स वॉशरूम्स में, बालकोनीज में, काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और इटालियन की सबसे अच्छी खासियत होती है ये आपके घर को इतना खूबसूरत बनाता है लगने के बाद। जैसे आप टाइल्स में देखना चाहें, टाइल्स में आपके जॉइंट दिखाई देते हैं पर इटालियन में जॉइंटलेस फील देता है ये आपको। आपको आगे जाके कोई भी मतलब जैसे प्रॉब्लम होती है, टाइल्स क्या होती है कुछ गिरने से टूट जाती है, पर इटालियन में ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल टूर एंड दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम यू ऑल। एंड गाइज ये तो था हमारा टूर जो कि आपने 4 इनके स्टॉक यार्ड देखे। अब हम चलते हैं ओनर के पास एंड उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं अमित मार्बल्स की टीम के हेड मिस्टर सुभाष सिंह सर। तो अब हम उनसे बात करेंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। वो मार्बल के बिजनेस में मोर देन 30 ईयर्स से हैं। सो अब हम उनसे बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। सो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। आप हमें इतना आपने हमें टाइम दिया, बहुत ही अच्छा हमने टूर किया, मार्बल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। तो जैसे कि आप 30+ ईयर्स से हैं बिजनेस में, मोहाली में अकेले आपका बिजनेस है या आपके और स्टेट्स में भी है और सिटीज में भी है? नहीं, हमारा मदर कंपनी दिल्ली में है, इसके अलावा हम किशनगढ़ में हमारा फैक्ट्री है, देहरादून में काम है हमारा, उदयपुर में काम है, जयपुर में काम है। हम बहुत इस मार्बल काम करते हैं, अलग अलग लोगों के उसको देखते रहते हैं।
अच्छा, तो बहुत सारे स्टेट्स में आपके यहाँ के अलावा काम है, बिजनेस है मार्बल का जी। तो जैसे हमने बहुत सारे तरीके के यहाँ पे मैंने मार्बल्स देखे, दर्शकों ने मार्बल्स देखे, एक सस्ते मार्बल और महंगे मार्बल की पहचान कैसे कर सकता है कोई इंसान जिसको नहीं नॉलेज है? मार्बल क्वालिटी होती है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट का ए बी सी डी क्वालिटी आता है, जो डी क्वालिटी का मतलब इन्फीरियर क्वालिटी है, डेफिनेटली वो सस्ता होगा, ए क्वालिटी है वो महंगा होगा, इसके प्राइस से पता चलेगा बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, उसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी कुछ चीज़ें, उसमें कितना कंसिस्टेंट है, क्रैक नहीं है, ये सारी चीज़ क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो आप 55 प्लस कंट्रीज से यहाँ पे इम्पोर्ट होके आता है मार्बल, तो इतनी सारी कंट्री इम्पोर्टेड मार्बल ही क्यों आप लोगों ने चुना, मतलब इंडिया में मार्बल नहीं है या फिर? इंडिया में उस तरह का मार्बल नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आप इंडिया में वाइट मार्बल आता है या थोड़ा बहुत एमपी में कटनी निकलता है, इसके अलावा कोई मार्बल नहीं निकलता, ग्रेनाइट हमारे अच्छा निकलता है। अच्छा, इसलिए मैक्सिमम मार्बल इम्पोर्टेड होता है। कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी, बहुत वैरायटी है, बहुत सारा कलर है जो आज के इंटीरियर में सूट करते हैं वही इम्पोर्ट होता है। और जैसे आप लोग यहाँ पर मोहाली में भी किसी प्रोजेक्ट में या किसी कमर्शियल में आप लोगों का कहीं कुछ है? मोहाली में हम कर रहे हैं, जैसे जुबली हमारे लिए जुबली काम करते जुबली हैं, जुबली गोल्फ विस्टा पे स्टार्ट होगा, जुबली वॉक कर रहे हैं। अच्छा। जुबली जंक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा हम CP67 कर रहे हैं, होम लोन भी किया है आप लोगों ने? हाँ जी। तो जैसे ये कमर्शियल में भी किया है आपने, रेजिडेंशियल में भी किया है, कमर्शियल में आपका किस तरीके के मार्बल जाता है और रेजिडेंशियल में किस तरीके का कुछ डिफरेंस होता है? आजकल कोई डिफरेंस नहीं है, कमर्शियल में जो मार्बल यूज़ होता है वो बढ़िया ही यूज़ होता है आजकल, क्योंकि उसमें पहले थोड़ा कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अलग अलग थे, अब कमर्शियल में बल्कि अच्छा मटेरियल लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग मार्बल ही आजकल प्रेफर कर रहे हैं, मतलब ऐसा मार्बल क्यों इतना लोग प्रेफर करते हैं? टाइल्स भी हैं और तरीके की चीज़ें, टाइल्स क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, मार्बल क्यों लोग प्रेफर कर रहे हैं? टाइल ऑप्शन है, मार्बल का ऑप्शन है टाइल, टाइल सस्ता पड़ता है इसलिए यूज़ करते हैं। हाँ। बट वैसे अगर उसको अगर एक्सप्लेन करके देखें तो टाइल एक ऑप्शन है, मार्बल हाइजीनिक होता है, टाइल अनहाइजीनिक होता है, सीमलेस नहीं लगता, टाइल में फ्लो नहीं दिखता जो मार्बल में दिखता है, टाइल एक सर्टेन टाइम के बाद निकालना पड़ता है, मार्बल को अगर मेंटेन करें तो लंबे टाइम तक चला सकते हैं, आज तक ताजमहल खड़ा है इसलिए कि मार्बल लगा हुआ, अगर टाइल लगता तो नहीं लगता। सही बात है। तो जैसे दूसरे स्टेट्स में भी आप लोग सप्लाई करते हैं? हाँ जी करते हैं, हम ओपन इंडिया काम करते हैं, नॉर्थ में सारे स्टेट में देते हैं। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे क्या होता है? नॉर्मल है, वो हमारी अपनी गाड़ियाँ होती है, लेबर होते हैं, यहाँ से जा कर वहाँ भेज देते हैं आपको। तो मतलब इनमें कुछ नुकसान वगैरह होता है कभी? थोड़ा बहुत जोखिम रहता है बट इंश्योरेंस है और हम उसको बड़ी इंश्योरेंस होता है और इसमें काम करने वाले मैक्सिमम स्किल होते हैं तो कम ही चांस है कि कुछ हुआ, आज तक तो नहीं होता। तो बहुत ही अच्छी बात थी, काफ़ी कुछ जाना हमने आपके आपसे मार्बल्स के बारे में। आप 30+ ईयर्स से इस बिजनेस में, आपने मार्बल का बिजनेस ही क्यों चुना और मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको शुरू में थोड़ा ड्राई लगता है लेकिन बाद में इसके बाद कोई काम नहीं कर सकता आदमी, मार्बल के अलावा दूसरे काम में शिफ्ट करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो गाइस ये तो थे हमारी टीम के हेड मिस्टर सुभाष सिंह जिनसे हमने बात की है मार्बल्स के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। So guys, this was all about our today's video. आज की वीडियो में हमने आपको मार्बल स्टॉक यार्ड का टूर कराया एंड आपको मार्बल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आगे भी फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर और आते रहेंगे। So guys, अगर आप लोग मार्बल परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप ट्राई सिटी में मार्बल परचेज करना चाहते हैं या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से, देन आप अमित मार्बल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सेक्टर 82 मोहाली में उनकी शॉप लोकेटेड है एंड उनकी सभी ऑफिसर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिए स्क्रीन पर दिए गई हैं। विद दैट इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला कि उन्होंने ट्राई सिटी के कई सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि HLP गैलेरिया, होमलैंड, जुबली गोल्फ विस्ता, वहाँ पर भी अपने मार्बल्स सप्लाई किए हैं। दैट मीन्स जो यहाँ की जो रेप्यूटेड टाउनशिप्स हैं उनमें उनका मार्बल यूज़ किया है। एंड आप ऐसे ही किसी रेप्यूटेड टाउनशिप में अपना घर ढूंढ रहे हैं, 2BHK अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, 3BHK अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, देन आप उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।